हेलो गाइज, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आप सभी को मेरे नए और एक वीडियो में। गाइज, आज हम मिलने आए हैं हमारे विलेज के एक यूट्यूबर जिनका नाम है मिनाज और उनका यूट्यूब चैनल का नाम है, जैसे आप पीछे सिल्वर प्ले बटन देख रहे हो, मोबाइल ट्रिक सपोर्ट नाम से उनका यूट्यूब चैनल है। ठीक है, तो अभी हम उनसे बात करेंगे, उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो विलेज में रहते हुए कि कैसे अपने चैनल को 2 लाख ऑलमोस्ट 2 लाख सब्सक्राइबर है उन वहाँ तक इतने बड़े माइलस्टोन तक कैसे पहुँचे और मतलब उनका स्ट्रगल क्या रहा। ठीक है, मैं मिनाज भाई को मेरे यूट्यूब चैनल एसडर ब्लॉग पे अभी वेलकम कर रहा हूँ। वेलकम वेलकम, कैसा आना हुआ? हाँ, बढ़िया भाई। तो ये मिनाज भाई है, ये हमारे लोकल बंदा है विलेज का जिनका लगभग 2 लाख सब्सक्राइबर है। ठीक है, तो अभी हम मिनाज भाई से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और कितना मुश्किल आए उनका जो चैनल है मोबाइल ट्रिक सपोर्ट वो इतने अच्छे माइलस्टोन तक पहुँचाने की। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मिनाजुद्दीन और मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है मोबाइल ट्रिक सपोर्ट। ठीक है, और मेरा चैनल पर जो वीडियो मिलता है ये टेक से रिलेटेड वीडियो मिलता है, मैं जो वीडियो बनाता हूँ ये टेक से रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जमान भाई को शुक्रिया कहना चाहूँगा, जमान भाई इतना दूर से आए हैं मुझे मिलने के लिए। तो आप ये पूछा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और इतना तक मैं कैसे पहुँचा, है ना। तो सबसे पहले देखिए, मेरा यूट्यूब चैनल का मैंने शुरुआत किया था 2018 में। ठीक है, तो 2018 में जब मैंने शुरुआत किया था उस टाइम मेरा एक चैनल था, उस चैनल का नाम था एम मोबाइल टेक। तो एम मोबाइल टेक मैंने लगभग 6 महीना उस चैनल पर मेहनत किया, उसके बाद में मेरे एक गलती की वजह से वो चैनल बैन हो गया। तो उस टाइम मैं पूरा मतलब दिल से टूट गया था कि मुझसे ये नहीं होगा, यूट्यूब चैनल ये सब नहीं होगा। तो उसके बाद में चैनल जो मेरा बैन हुआ ये इसलिए हुआ कि चैनल में कुछ मैंने यूट्यूब का जो गाइड है उसको मतलब मैंने फॉलो नहीं किया था, गाइड के खिलाफ किया था, उसकी वजह से 3 कॉपीराइट आ गया था मेरे चैनल पर और उसकी वजह से मेरा चैनल बैन हो गया था। तो मैंने ये चैनल जब बैन हुआ मैंने बहुत कोशिश किया चैनल को रिकवर करने के लिए पर रिकवर नहीं हुआ। वो चैनल भी मोनिटाइजेशन इनेबल ही था। मोनिटाइज सब्सक्राइबर उसमें 89,000 सब्सक्राइबर था। अच्छा, और लगभग 1 लाख के करीब, 1 लाख के करीब था। उसके बाद में मैंने यूट्यूब छोड़ ही दिया था। अच्छा। 3 महीना मैंने छोड़ दिया था, फिर अचानक मुझे एक दिन मेरा दिल में ये आया कि और एक बार ट्राई करके देखूं, क्योंकि बहुत लोग मैंने बहुत सारा फील्ड में देखा है कि बहुत लोग मतलब जब फेलियर हो जाते हैं कोई भी फील्ड पर तो कुछ दिन के बाद फिर शुरुआत करते हैं तो कुछ लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो मैंने मेरे दिल में ये आया कि फिर और एक बार ट्राई करके देखो। तो फिर मैंने और एक चैनल बनाया जो चैनल है मोबाइल ट्रिक सपोर्ट, और आज ये प्ले बटन भी मुझे मिला है। आज लगभग ये चैनल का मेरा 2 लाख कंप्लीट होने वाला है सब्सक्राइबर। तो उस चैनल पर मैंने जो मिस्टेक किया था उसमें मुझे ये सीखने को मिला था कि गाइडलाइन के खिलाफ कभी भी कुछ नहीं करना है, कोई भी वीडियो बनाना है तो गाइडलाइन को फॉलो पहले करना है। तो वो मुझे उसमें जो मेरा चैनल बैन हुआ था उसमें से मुझे ये सीखने को मिल गया था। तो उसके बाद में मैंने उस गाइडलाइन को और कॉपीराइट जो आता है ये मैंने कोई भी वीडियो में मैंने कुछ भी कॉपीराइट चीज़ मैंने यूज़ नहीं किया और गाइडलाइन के खिलाफ भी नहीं किया। तो धीरे धीरे ये जो चैनल है मेरा ये चलता रहा और बीच में मेरा चैनल बहुत स्पीड से ही दौड़ा है और मेहनत किया है मैंने, 1-2 वीडियो हर दिन मैंने अपलोड करता था। तो फिलहाल मैं घर पर नहीं था उस टाइम, मैं मेघालय पर था। तो मेरा यहाँ पर एक शॉप है और यहाँ पर मैं दुकान मतलब जो मेरा शॉप है उसमें भी काम करता था और रात में मुझे जब टाइम मिलता था उस टाइम मैं वीडियो शूट करता था। ज़्यादातर मेरा वीडियो जो है ये स्क्रीन रिकॉर्ड वीडियो है। तो मिनाज भाई, हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे नए यूट्यूबर है कि उनका चैनल ग्रो नहीं हो रहा है, ठीक है, 1000 के नीचे अटक गए, तो उनके लिए आपका क्या कहना है? इन सभी के लिए तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप मेहनत करें, दिल से मेहनत करें और पीछे मुड़ के ना देखें, जो भी करना है आगे देखें। अगर पीछे मुड़ के देखेंगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। अगर आपको सक्सेस होना है तो सिर्फ आगे देखना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है कि वीडियो में कितना व्यूज़ आ रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है कि नहीं, इसमें फॉलो नहीं करना है। आपको नेक्स्ट फॉलो करना है कि आगे आपको क्या वीडियो बनाना है, क्या प्लान है, उसका प्लान करना है, आगे स्टेप रखना है, आपको पीछे नहीं देखना है। अगर वीडियो डालना है कंटिन्यू वीडियो डालना है, और अगर आप चाहे तो एक दिन में 2 वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। वीडियो पर फोकस करना है आपको, वीडियो का क्वालिटी के बारे में सोचना है, वीडियो कैसा बनाना है, टॉपिक के बारे में सोचना है, ये सब सोचना है। अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आप फेलियर होंगे। ज़्यादातर नई यूट्यूबर मैंने देखा है ज़्यादातर पीछे मुड़ के देखते हैं कि इसमें व्यूज़ नहीं आ रहा है, उसकी वजह से वो लोग फेल हो जाता है, लेकिन पीछे नहीं देखना है। मेरा जो मोबाइल ट्रिक सपोर्ट चैनल है उसमें जब मैंने शुरुआत किया था पीछे मुड़ के एक बार भी नहीं देखा था। 100 वीडियो क्रॉस होने के बाद में मैंने पीछे मुड़ के देखा था कि मेरे कितना वीडियो है और कितना वीडियो पर कितना व्यूज़ आ रहा है, उसके पहले मैंने एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मेरा टारगेट ये था कि 100 वीडियो अपलोड करके ही पीछे मुड़ के देखूँगा।
तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि आप पीछे मुड़ के ना देखें, वीडियो की क्वालिटी अच्छा करने की कोशिश करें, वीडियो हर दिन अपलोड करने की कोशिश करें और टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन उसमें ध्यान दे, थंबनेल में ध्यान दे, तो आपका वीडियो भी वायरल होगा, चैनल भी ग्रो होगा। अच्छा। तो जवान भाई सबसे पहले आपका चैनल का नाम क्या था? मैं बोल गया एसजे ब्लॉग था। अच्छा एसजे ब्लॉग था, तो आप क्या वीडियो बनाती है? मैं ज्यादातर ट्रेवल ब्लॉग बनाता हूँ। मैं मतलब दो तीन जगह घूमी, दिल्ली, बेंगलुरु, गुवाहाटी तक काफी बार गए, सिलचर में भी, मतलब सभी जगह मेरा यूट्यूब का वीडियो है, मैंने अपलोड किया है। आपका सब्सक्राइबर कितना है? तो मेरा सब्सक्राइबर है 600 समथिंग और मैं रेगुलर वीडियो नहीं डालता। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका वही है, नई जो यूट्यूबर लुक है सबसे बड़ा मिस्टेक क्या करते हैं, हर दिन वीडियो अपलोड नहीं करते। अगर आपको रेगुलर वीडियो अपलोड अगर आप करेंगे तब जाके आपका व्यूज आएगा, क्योंकि जो व्यूवर्स लुक होते हैं आपका 100, मान लो 100 किसी का व्यूवर्स है, तो व्यूवर्स का एक टारगेट रहता है कि इस चैनल से मुझे इतना बजे उस, मतलब हर दिन इतना बजे एक वीडियो मिलता है, तो होता क्या है वो लोग सब इंतजार में रहते हैं और आप जब वीडियो को पब्लिश करते हैं तो वो वीडियो वॉच करते हैं, ठीक है। तो अगर आप रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं करेंगे तो आपका जो एवरेज व्यूज है, व्यूज आपका डाउन होता चला जाएगा, तो ये मिस्टेक आपको नहीं करना। आज से आप मुझे कमिटमेंट कीजिएगा कि हर दिन एक वीडियो अपलोड करेंगे। अगर आप हर दिन एक वीडियो अपलोड कर लेंगे तो आपका जो सब्सक्राइबर है ये भी स्पीड से बढ़ेगा और आपका चैनल ग्रोथ होने के चांसेस ज्यादा रहेगा। तो आप कोशिश करिए हर दिन एक वीडियो अपलोड करने का। तो मैं भाई से प्रॉमिस कर रहा हूँ, हफ्ते में कम से कम 3 वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है भाई से। अच्छा, तो ठीक है, आपने ये कहा कि हफ्ते में आप 3 वीडियो अपलोड करेंगे, आप फिर भी कोशिश कीजिए, अगर हर दिन एक वीडियो अगर आप अपलोड करेंगे तो उसमें आपका व्यूज भी ज्यादा आएगा, सब्सक्राइबर भी स्पीड से जाएगा। तो आपका चैनल का कितना दिन हुआ है? मेरा चैनल लगभग 3 साल पुराना है। 3 साल हो गया और अभी तक मतलब वही मेरा मतलब रेगुलर में बीच में आप वीडियो अपलोड करना छोड़ दिया था क्या? हां, 1 साल से वीडियो अपलोड नहीं किया था मैंने। तो ठीक है, आप वीडियो पर ध्यान दीजिए, वीडियो परमानेंट अपलोड करने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि मेरा जवान भाई का जो चैनल है एसजेड ब्लॉग्स, वो बहुत मेहनत करता है और बहुत अच्छा अच्छा वीडियो भी मिलता है, ब्लॉग वीडियो बनाता है और बहुत सारा जगहों पर, नई नई जगहों पर जाता है, उसका जो प्लेस कैसा है वो सभी दिखाता है, वीडियो भी बहुत अच्छा है, मैंने देखा है, कल सर्च करके उसने जब फ़ोन किया था उसके बाद में मैंने उसका चैनल का जो वीडियो है ये सब देखा था, उससे पहले मुझे भी पता नहीं था कि उसका भी एक चैनल है बोल के, तो कल मैंने सर्च करके देखा था, कल रात को उसके साथ मेरे बात हुआ था। तो मेरा जितना सब्सक्राइबर है उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करके ये कहना चाहूँगा कि मेरा जवान भाई का जो चैनल है एसजेड ब्लॉग्स, तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि वो भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हैं, ब्लॉग्स वीडियो, तो आपको ब्लॉग्स वीडियो देखने को मिलेगा, बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा उस वीडियो पर। तो प्लीज़ उनका चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उनको भी सपोर्ट कीजिए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, आप सभी लोग अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो ऐसा बहुत ऐसा नई यूट्यूबर लोग है जो आगे नहीं बढ़ पाती और क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो आप सभी से मेरा ये उम्मीद है कि आप सभी उनका चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और उसका जो चैनल है उसको आगे लेके जाएंगे, उसको सपोर्ट करेंगे। तो आप सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट है, ठीक है।